अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब पहले की तरह बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो भाई मेरा तो आज है पेट बहुत ज्यादा खराब, नाश्ता करने का तो मेरा दिल नहीं कर रहा और मैनेजर साहब तो नाश्ते में लगे हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मैनेजर साहब आपके? मैं ठीक, आप बताओ आपका पेट क्यों खराब है भाई? कल रात में मैंने जेलियां खा ली, टॉफियां खा ली, चॉकलेट खा ली एक साथ, जब ही मेरा पेट खराब हो गया। आपकी जेलियां और टॉफियां और ये चॉकलेट खाने की उम्र है? तो किस चीज की उम्र है भाई? बचपन में इतने से होते हैं, इतने से तब खाते हैं ये वाली चीजें, अभी नहीं खाते। समझ गया, आइंदा पेट खराब मैं नहीं करूंगा बिल्कुल भी। तो अभी चलते हैं भाई, पीछे मेरा नाश्ता रेडी हो रहा है, देखते हैं कि नाश्ते में क्या है। क्या क्या बन रहा है भाई मेरे नाश्ते में? फ्रेंच टोस्ट और चाय। अरे वाह वाह, ये चीज मैनेजर साहब देखो, ये देखो, अबे मैंने चुरा लिया, पकड़ दिखा दिखा दिखा, जल्दी दो जल्दी जल्दी जल्दी। मैंने तुम्हारा बिस्किट खाया था? नहीं खाया था ना? इधर दो इधर दो इधर दो इधर दो, मेरे हाथ से खाना है तो खा लो। खाओ 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 खाओ। हम लोग इस टेबल पे इसलिए बैठते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग करते हैं डिस्कस के भाई अभी बाहर जाके करना है क्या है हमें। आज 3 दिन से हम प्लॉट पे नहीं गए, प्लॉट हमारा इंतजार कर रहा है और आज मैंने बुलाया है कारपेंटर को। बड़ी मुश्किल से कारपेंटर मिला है भाई। तो अभी मैनेजर साहब कारपेंटर के पास जाना है, उनसे पूछना है कि पिंजरे किस तरह बनाने हैं, कौन सी लकड़ी के बनाने हैं, अच्छी लकड़ी के बनाने हैं, हल्की लकड़ी के बनाने हैं, मोटी लकड़ी के बनाने हैं, पतली लकड़ी के बनाने हैं। आज तो बड़ा हेल्दी नाश्ता, क्लास का नाश्ता। ये वाला नाश्ता तो भाई मेरा बहुत फेवरेट है, मैं बचपन में बहुत खाता था। अच्छा करते भाई फटाफट से नाश्ता। A few moments later. So welcome back to the new vlog and welcome back to my YouTube channel. हेलो, अस्सलाम वालेकुम शेरोज साहब, कहाँ पर हैं आप? अच्छा आप पहुंच गए, चले मैं भी रास्ते में हूँ, बस पहुंचने वाला हूँ। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। मैं जिनसे बात कर रहा था ये कॉन्ट्रैक्टर की कॉल थी, तो वो मेरा इंतजार कर रहे हैं वहाँ पर। तो अब चलते हैं भाई डायरेक्ट फटाफट अपने मिनी वर्ल्ड हाउस। पहुंच गए भाई अपने प्लॉट पर। ये 3 दिन बाद 4 दिन बाद ये खुला है दरवाजा, देखो। खोलो खोलो खोलो, अबे खुल क्यों नहीं रहा, चेक कर जरा क्या हो गया। पहले मेरे भी ये वो होता है, मैं भी उस तरफ घुमा रहा था, लेकिन ये इस तरफ नहीं, राइट तरफ घूमता है। अच्छा राइट की तरफ घूमता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये अबे भाई, ओ हो हो, खुल गया खुल गया। अस्सलाम वालेकुम, अंदर जाके बोलना माशाल्लाह। अंदर चलो, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई कितना साफ सुथरा प्लॉट हो रहा है। और अभी तक कॉन्ट्रैक्टर लकड़ी ही उठा के लेके नहीं गए। यहाँ पर सामान जैसा हम छोड़ के गए थे हुसैन, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही रखा हुआ है, देखो। अच्छी बात है ना? हाँ बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। दीवार से चोरी हो रही हुई, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो भाई हमारे कॉन्ट्रैक्टर साहब भी आ गए जिनसे हमें पिंजरे बनवाने, तो वो बाहर वेट कर रहे हैं, उनको बुलाते हैं। आओ जाओ हुसैन, कॉन्ट्रैक्टर साहब को बुला के लाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर साहब कम हियर, आ जाए आ जाए आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह शेरोज साहब, जिनको पिंजरे बनाने वो कहाँ? वो कहाँ? वो बाहर है भाई। तो बाहर से बुलाओ ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आप हैं भाई? पिंजरे बना देंगे जी बिल्कुल। अच्छे से बिल्कुल, बस मैं आपको अभी समझाता हूँ कि पिंजरे कैसे बनाने। और कॉन्ट्रैक्टर साहब, नहीं मैंने तो आपसे नहीं पूछा कि अभी क्या आप कैसी तरह बता दिया, क्योंकि हमें पता है कि आगे का सवाल बंदे का क्या होने वाला है। अरे वाह वाह, कॉन्ट्रैक्टर तो बड़े तेज है भाई, तो बहुत जीनियस लाया हुआ है, जीनियस कॉन्ट्रैक्टर है भाई। तो शेरोज साहब कितने दिन में बन जाएंगे पिंजरे? अब ये तो जो बनाएगा उसको पता होगा, आपको कुछ भी नहीं पता। आप बताएं कितने दिन में बन जाएंगे? चले आए, मैं आपको जगह विजिट करवाता हूँ कि कैसे है। पिंजरे बनाने वाले आ गए भाई, अब इनको समझा देता हूँ मैं किस तरह के पिंजरे बनने और किस हाइट के, किस विड्थ के, तो बता देते हैं। भाई कॉन्ट्रैक्टर साहब और कारपेंटर साहब भाई यहाँ पर हिसाब किताब कर रहे हैं कि कितनी उसमें लकड़ी लगनी है, क्या क्या चीज़ें लगनी है। तो आप लोग हिसाब किताब करें, मैं ज़रा थोड़ा सा बैठ गया हूँ, फिर आप मुझे बता दीजिए क्या क्या इसमें चीज़ें लगनी है, फिर हम लेके आएंगे। भाई कुर्सियाँ तो बहुत गंदी हो रही हैं, ये क्या हो गया कुर्सियों को, 3-4 दिन में ही गंदी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया मैनेजर साहब, मैनेजर साहब तुम ये क्या कर रहे हो? बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने अपने बैठने के लिए साफ करी और तुमने ले ली, वाह भाई वाह। चलो भाई थोड़ी देर बैठ जाते हैं। और आज यार मैं सुबह जब उठा ना तो मेरे पेट में बहुत ज्यादा ही दर्द था, उसके बाद जब मैं नाश्ता कर रहा था तो बीच में मुझे
सीधी भी हो गई। जी कारपेंटर साहब जी, आपने हिसाब किताब निकाल लिया सब? क्या क्या है? 12 पट्टियां आएंगी, 3 शीटें आएंगी और जाली आएगी और बाकी हार्ड वेयर आएगा। अच्छा जी, ये पूरा टोटल हिसाब किताब है। चलें आजा लेके आते हैं। तो भाई आज हो रही है हमारे पिंजरे बनने की तैयारी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बॉस जी, आपकी फरारी का हॉर्न तो खराब हो गया, ट्रक का लगाया आपने। अबे इसमें पानी चले गया यार, इसको लगता है नजर लग गई है, नजर लग गई है, नजर लग गई है। अभी तो तुम्हें एक सीन नहीं पता। कौन सा है बताओ ना। गाड़ी को इतनी नजर लग गई कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। अबे बता दो। अभी नहीं बताऊंगा, वो बाद में बताऊंगा। मैं बाद में भी नहीं पूछूंगा। A few moments later, लकड़ी की पूरी मार्केट पे आ गए भाई हम लोग। ये रखी हुई लकड़ी, यही वाली लकड़ी चाहिए हमें। हाँ, ये वाली भी और ये वाली। दो बाई एक की लकड़ी है ये तो, और वाली कौन सी है? ये पूरी दो बाई एक की। हाँ, थोड़ी सी कम होती है। अच्छा, ये कितनी चाहिए हमें? ये हमें चाहिए 14 पट्टियाँ। 14 पट्टियाँ बस, फिर निकालो ना इसको। यहाँ पर ये लकड़ी की प्लाई भी रखी हुई है, ये भी उसे हमें चाहिए। ये भी लेते हैं, लेते ये हैं, बहुत ज्यादा हल्की लग रही है। देख कितनी कागज है, लेकिन जब ये लगेगी ना तो ये बिल्कुल कड़क हो जाएगी एकदम। सही सीढ़ियां तो अच्छी बनाई है ऊपर। कौन सी सीढ़ियां? देखो। हाँ अबे भाई आ जाओ भाई, गिर जाओगे। उतरो। ये हमारा मैनेजर भी ना भाई बहुत शरारती है यार, क्या कर रहे हैं इसका। निकालो 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 भाई, ये साइड में रख दो। सही है, ले ली ना ये कन्फर्म? हो गया भाई, हमारा पिंजरे का सामान आ गया भाई। रखो 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 भाई, रखो रखो आराम से, टूट ना जाए। देखो ये वाली शीट देखी थी मैंने, ये वाली। हाँ, ये तो दरवाजा, ये नहीं लगेगी इस पे, हमें इसे मोटी चाहिए। चलो कहाँ मिलेगी फिर? ये हम आ गए दूसरी दुकान पे, यहाँ पर सारी लकड़ी की शीटें पड़ी हुई हैं। अब इसमें से डिसाइड करते हैं हमें कौन सी चाहिए। ये तो हमारा भाई यश भाई को मिलेगी आपको। अच्छा ये वाली शीट, अरे यही वाली तो है वो जो मैंने आपको दिखाई थी, यही वाली है ना वो। बस ये कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी ना भाई? यही वाली लगवा देते हैं। शादी वाली कहाँ है? तो शादी वाली क्या हिसाब है फिर? चलिए 1500 की है, 900 रुपए की शादी। इसमें क्या फर्क है? देखो ये कलर, ये मतलब जैसे वो वाइट है। अच्छा, ये वाली शादी वाली है, तो यार शादी वाली ले लेते हैं हम लोग, है ना? उस पर हम खुद ही कलर कर लेंगे हुसैन। देखो वो जो कलर वाली मिल रही है वो 1500 की मिल रही है, जो शादी मिल रही है कितने की मिल रही है? वो मिल रही है 900 रुपए की। बस सही है, हम 100 रुपए डाल कर कलर खुद कर लेंगे। चलो भाई ले लो यही वाली, निकलवा लो भाई। तो भाई हमने लकड़ियां तो ले ली है और सीटें भी ले ली, अब इसका लेना है हार्डवेयर। ये सारी एसेसरीज निकल ली है भाई हम लोग की, जो हमारी पिंजरे में लगनी है ना। नहीं, ये हमने सारा एसेसरीज का सामान ले लिया है। इसमें हमारे हैंडल आ गए, इसमें हमारे कब्जे आ गए, इसमें हमारा ये लॉक आ गया, इसमें हमारा ये लॉक का ही है भाई, और इसमें क्या है, इसमें हमारी कुंडी आ गई, इसमें कीले आ गई, ये ग्लू आ गई, और ये भी कीले हैं। सारा सामान हमने एसेसरीज का ले लिया है जो जो पिंजरे में लगना है। ये हमारी पिंजरे में लगने के लिए जाली भी आ गई, ये पूरा बंडल ले लिया हमने। तो भाई अभी बैठा हूँ मैं रक्षे में, सामान हो रहा है हमारा लोड, फिर ये वहाँ पर जाएगा, और जैसा कि देख सकते हो आप लोग ये बंदा लोड कर रहा है। भाईजान इधर आओ। भाई आपकी गाड़ी का नाम क्या है? करोला। करोला? ओ भाई ये तो करोला है। गाड़ी तो चेक करो करोला। सारा सामान हमने गधा गाड़ी में शिफ्ट करवा दिया, क्योंकि गधा गाड़ी वाला भाई किराया ले रहा था कम। तो चलते हैं भाई प्लॉट। A few moments later, बॉस यहाँ पर जो ब्लॉक पड़े हुए हैं ये उठा के अंदर रख दो, कहीं चोरी हो जाए। नहीं यार, ये जब से काम खत्म हुआ है देख यहाँ पर ही पड़े हैं, बिल्कुल सही सलामत। हाँ वैसे ये तो हमारी नजर पड़ गई है, तो हम इसको रख देते हैं अंदर। नहीं वैसे ये अच्छी बात है, कुछ हुआ नहीं। चलो अंदर रख देते भाई, चलो कुछ हो जाए। एक एक करके ना आप सारे रख देना, ठीक है? बहुत मजा आ रहा है। मैं नहीं रखूंगा, तुम भी मेरे साथ रखोगे, बहुत सारे हैं वो। चलो क्या कर रहे हो भाई जान? ये तो आपसे आपकी करोला गाड़ी संभाल ही नहीं रही है, वाटर करोला है। चलो चलो भाई आराम से उतारो, आराम से उतारो। ये जाली आप इधर रख दो, इधर रख दो। हाँ बस ये भी बिल्कुल सेफ, वो कोने पे डाल दो। अरे भाई इन भाई को तो भूल गए थे हम पैसे देने। ये लो भाई,
सही है आपकी शबाडर कोरोला ठीक है सही है। चलो यार हुसैन साहब सारा सामान हमारा आ चुका है। सारा आ गया है? हाँ सारा नहीं आया। आप सच सच बताओगे दो पिंजरों का आया है? यार हमने जो बोला था दो पिंजरों का हमें सामान लेना है वो सारा सामान पिंजरों का आ चुका है दो। हाँ। बाकी आगे जो हम पिंजरा बनाएंगे उसका हम अलग लेंगे ना यार। सही है अभी ये कल तक हो जाएगा ना? कल तक इंशाल्लाह 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 कल हम इसको दो पिंजरे बना के कम्प्लीट करेंगे लाजमी। ओके जो कि वहाँ हमें दिखेंगे। हाँ एक यहाँ पर एक यहाँ पर बस सही है। ओके भाई कॉन्ट्रैक्टर साहब सही है अच्छा लगा आपसे मिलके। आप भी कारीगर मुझे अच्छे लग रहे हो जबरदस्त लग रहे हो वो हमें कल पता लगेगा कि आपने कितना अच्छा काम किया है। कल लेकिन आप बताओ कब तक आ जाओगे? सुबह आ जाऊंगा। यहाँ पर जल्दी से जल्दी आना वो 10 बजे अगर हमने काम शुरू कर दिया तो हम शाम में 5 बजे फारिग हो जाएंगे इंशाल्लाह। सही है फिर खाना वाना साथ खाएंगे हम। ठीक है भाई कॉन्ट्रैक्टर साहब अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। आपका नाम क्या है? सुमेर भाई अल्लाह हाफिज़ थैंक यू। तो गाइस टाइम हो चुका है 4:46 और हमारा आज का जो ये काम कंप्लीट हो चुका है। आज हमें भाई कॉन्ट्रैक्टर के साथ जाना था लकड़ी का सारा सामान लेने था पिंजरा बनाने के लिए। सब कुछ मैंने बहुत अच्छा अच्छा लिया है यानी हम अच्छी क्वालिटी का हम पिंजरा बनाएंगे ताकि वो देर तक चले। अगर हम हल्का करते तो यार वो तो बेकार था। जब 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 आप बंदा काम करे तो वो अच्छा ही करे एक ही बार। हाँ ये तो ये मेरे अंदर ये क्वालिटी है। जब मैंने अपनी जगह बनवाई तुम देखो जो देखने वाला बंदा है ना वो यही बोल रहा है यार के माशाल्लाह। ये आपके अंदर क्वालिटी नहीं है ये आइडिया मैंने दिया था आपको। मैनेजर साहब अब सारे काम बॉस कर रहे हैं और मैनेजर यहाँ पर अपना क्रेडिट ले रहा है पूरा पूरा भाई। तो व्लॉग को हम यहाँ पर एंड करते हैं। कल इंशाल्लाह बनाएंगे हम पिंजरा और कल ही कल में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो इस व्लॉग को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें जल्दी जल्दी 1 मिलियन कराएं। ओके अल्लाह हाफिज़। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़।